मैं तेजपाल रमेश चंद्र खमार। मुझे न्यूरोजेनिक ब्लैडर नाम की खतरनाक बीमारी थी। मैं गुजरात के मेहसाणा जिले के कड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा स्टडी स्टेटस 12 कक्षा है। मेरे शेयर बाजार की ऑफिस थी। मैं 7 साल से वहाँ पर कार्यरत था। यहाँ तक मैं बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं थी। एक दिन मुझे लगा कि पेशाब रुक रुक के आ रहा है। 2-3 दिन ऐसे ही चला। मैंने नोटिस किया कि ये सतत हो रहा था। इन दिनों मुझे थोड़ा फोर्स के साथ पेशाब करना पड़ रहा था। अब पीड़ा भी होने लगी। एक दिन सुबह पेशाब हुआ ही नहीं, तो मैंने अपने पिताजी को बताया। फिर स्थानिक डॉक्टर को पहली बार दिखाया। उन्होंने मेरा कंडीशन देखकर सोनोग्राफी करवाई और कैथेटर से यूरिन पास करवाया और हमें बताया कि यूरिन की नली में अवरोध है, इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यह सलाह हमको यूरोलॉजिस्ट ने दी थी। फिर हमने हमारे संबंधी डॉक्टर से बात की। उनकी सलाह अनुसार हमने सन 2012 में डॉक्टर दीपक राजगुरु न्यूरो सर्जन को बताया। उनकी सलाह पर डॉक्टर शुक्ला को अहमदाबाद में बताया। उन्होंने टेस्ट करके सारा पेशाब कैथेटर की मदद से बाहर निकाल कर ब्लेडर खाली करके डिस्टिल वाटर ब्लेडर में सीरिंज से डाला। 700 750 ml पानी अंदर गया, तब मुझे एहसास हुआ कि अंदर कुछ है। ब्लेडर फुल नहीं होता था, तब तक मुझे कोई भी सेंसेशन नहीं होता था। इन दिनों मुझे पेशाब तो होता था पर फोर्स के साथ करना पड़ता था। इनका रिपोर्ट वापस डॉक्टर दीपक राजगुरु को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह कोई और ही तकलीफ है। वहाँ से उन्होंने हमको न्यूरो फिजिशियन RS भाटिया को दिखाने भेजा। डॉक्टर भाटिया ने MRI रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट में स्पाइन ट्यूमर का निदान आया। हम फिर हमारे संबंधी डॉक्टर के पास गए। उन्होंने अपने फ्रेंड डॉक्टर नवीन भाई पटेल न्यूरो सर्जन के पास भेजा। उनके वहाँ सन 2012 में स्पाइन सर्जरी हुई। बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल था। ऑपरेशन से मेरी तकलीफ बंद हो गई थी। मैं नॉर्मल यूरिन कर पा सकता था। मुझे अगस्त 2013 तक अच्छा रहा। मुझे एक दिन 2013 अगस्त में बुखार आया, तो स्थानिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने रिपोर्ट करवाया। WBC काउंट बहुत ज़्यादा थे और हीमोग्लोबिन कम हो गया था। इन्हीं दिनों मेरा सीरम क्रिएटिनिन 2.8 आया था। दवाई से WBC काउंट नॉर्मल हो गए पर क्रिएटिनिन 4.2 हो गया था। उन्होंने स्थानिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर चौधरी को रिफ़र किया। उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट करवाए। उन्होंने अगस्त 2013 अंत में कैथेटर लगाया। उन्होंने बोला कि किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने कम से कम 7 लीटर पानी पीने को बोला था। उनकी दवाई लगभग 15 दिन तक की, पर हमें कोई फ़र्क नहीं लगा। फिर हमने अहमदाबाद में यूरो सर्जन डॉक्टर कमलेश पटेल को बताया। उनकी सलाह से सांबेद हॉस्पिटल में रिपोर्ट करवाए। अब मालूम पड़ा, निदान हुआ कि मुझे न्यूरोजेनिक ब्लेडर नाम की बीमारी है। यहाँ भी ऑपरेशन की सलाह दी गई। मेरे इन लॉज ने अपनी तरफ से मेरे सारे रिपोर्ट अहमदाबाद सिविल में डॉक्टर HL त्रिवेदी सर को दिखाए। उन्होंने स्पष्ट बोला कि ब्लेडर का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा और आजीवन कैथेटर के साथ ही रहना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ से फिर हम मेहसाणा से डॉक्टर दीपक राजगुरु के पास गए। उन्होंने किडनी के वाल का ऑपरेशन किया। उनकी सलाह थी कि ज़रूरत पड़ने पर नली डाल के पेशाब कर लेना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप उन्होंने कैथेटर लगा दिया। अब 24 घंटे कैथेटर लगा रहता था। मैं मेरा बिजनेस भी यही हालात में करता था। थोड़े दिनों के बाद मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया, पर काम मैं घर से करता था। मेरे जीवन में यह कहावत सच्ची साबित हुई कि दिया तले अंधेरा। मेरी दीदी ने मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा सके। मेरी दीदी और मेरे भाई ने अपने हिसाब से मेरे सारे रिपोर्ट राजवैद्य डॉक्टर दिनेश चंद्र पंड्या जी को दिखाए। उन्होंने रिपोर्ट दिखकर बोला था कि 3 महीने के लिए एडमिट होना पड़ेगा।
तारीख 20 मई 2014 को मैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद में सरकारी अखंडानंद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश चंद्र पंड्या जी के यूनिट में भर्ती हो गया। यहाँ आने के बाद उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। पहले हफ्ते की प्रोसीजर लगभग 12 दिन के बाद मेरा वमन करवाया गया। इससे मुझे पेशाब बाहर आता तो थोड़ा एहसास होता था। उनकी प्रोसीजर चालू थी। इसी 18 दिन के बाद मुझे ज़्यादा फायदा दिखा। अभी भी मेरा इलाज चालू था। अब मेरी बस्ती की प्रक्रिया चालू थी। इन्हीं दिनों के दौरान मुझे दिन में एक बार सेंसेशन फील होता था। इसी फायदे के साथ मेरा इलाज चल रहा था। तारीख 5 अगस्त 2014 को मेरा कैथेटर निकाला गया। अब मैं नॉर्मल तरीके से पेशाब कर सकता था और मुझे सेंसेशन भी होता था। अब मुझे 100% फायदा था। दाखिल होने से पहले मैं बिना कैथेटर के यूरिन नहीं कर सकता था, लेकिन अब बिना कैथेटर के नॉर्मल तरीके से यूरिन कर सकता हूँ। यह सरकारी अस्पताल है, फिर भी मेरा इलाज जिस तरीके से हुआ और मुझे जो परिणाम मिला उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने जीवन की नई उम्मीद पाई है। इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार डॉक्टर दिनेश चंद्र पंड्या जी का आजीवन आभारी रहेगा।